मणिपुर की माइटी पावर हाउस। वो खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ऐतिहासिक रजत पदक जीतकर वेटलिफ्टिंग में पदक जीतने के भारत के 20 साल लंबे इंतजार को खत्म किया। लकड़ियों के गट्ठर उठाने के संघर्षपूर्ण दिनों से लेकर 2011 में वेटलिफ्टिंग जूनियर वर्ग में अपना पहला राष्ट्रीय पदक हासिल करने के गौरव तक मीराबाई चानू का सफर प्रेरणादायक रहा है। उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय जीत 2013 में पेनोंग में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हुई, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उनका हल्ला बोल पलाया 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। 2017 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स का स्वर्ण पदक उनके ताज में एक और रत्न की तरह जुड़ गया। उनकी अटूट मेहनत, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों ने उन्हें 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया। उसके बाद उन पर जीत का जुनून ऐसा छाया कि मीराबाई ने सभी बाधाओं को तोड़ दिया और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया। इस समय उनकी ट्रेनिंग सेंट लुइस में स्क्वाट विश्वविद्यालय में चल रही है। वो पहले साय NS NIS पटियाला प्रशिक्षण बेस में शामिल हुई और 14 नवंबर 2018 को उन्हें प्रतिष्ठित टॉप्स में शामिल किया गया। हम दोनों ने खिलाड़ी और कोच के रूप में एक लंबा सफर तय किया है और उसका कारण है हमारे सेम इंटरेस्ट। मेरे लिए वेटलिफ्टिंग एक जुनून है और मीरा के लिए जीतने की लगन। मैं मीरा से तब मिला था जब वो बहुत छोटी बच्ची थी। मैंने मीरा में काफ़ी पोटेंशियल देखा और बेशक उसे एक चैम्पियन बनने में समय लगा, लेकिन सफलता को हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हम दोनों ने असफलताओं को भी साथ फेस किया है और बड़ी मजबूती से वापसी की है। आज हम एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। मीरा ने काफ़ी मेहनत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीरा मेडल लेके वापस आएगी और मीरा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देके मैं इंडिया के लिए एक मेडल जीतूंगी। और मैं बता नहीं सकती कि मेरा फैमिली और मेरा कोचेस और मेरा जो वेट लिफ्टिंग में मेरा फ्रेंड्स है और सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने कितना सपोर्ट दिया है मुझे यहाँ तक पहुँचने का। और साई और टॉप्स को मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके बिना अब तक का तो मेरा ट्रेनिंग और मेरा जर्नी जो है वो अधूरी होती। मीरा, आपकी मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की लगन हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। अब समय है आने वाले एशियन गेम्स 2022 में देश के नाम को अपनी प्रतिभा से रोशन करने का और एक बार फिर इतिहास रचने का। तैयार हूँ मैं बढ़ने एक नई उड़ान, करूँगी देश का नाम रोशन, क्योंकि खेल से है मेरी पहचान। है जीत पे सवार, हल्ला बोल। मणिपुर की माइटी पावर हाउस। वो खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ऐतिहासिक रजत पदक जीतकर वेटलिफ्टिंग में पदक जीतने के भारत के 20 साल लंबे इंतजार को खत्म किया। लकड़ियों के गट्ठर उठाने के संघर्षपूर्ण दिनों से लेकर 2011 में वेटलिफ्टिंग जूनियर वर्ग में अपना पहला राष्ट्रीय पदक हासिल करने के गौरव तक मीराबाई चानू का सफर प्रेरणादायक रहा है। उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय जीत 2013 में पेनोंग में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हुई, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उनका हल्ला बोल पलाया 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। 2017 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स का स्वर्ण पदक उनके ताज में एक और रत्न की तरह जुड़ गया। उनकी अटूट मेहनत, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों ने उन्हें 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया। उसके बाद उन पर जीत का जुनून ऐसा छाया कि मीराबाई ने सभी बाधाओं को तोड़ दिया और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया।
इस समय उनकी ट्रेनिंग सेंट लुइस में स्क्वाट विश्वविद्यालय में चल रही है। वो पहले साय एनएस एनआईएस पटियाला प्रशिक्षण बेस में शामिल हुई और 14 नवंबर 2018 को उन्हें प्रतिष्ठित टॉप्स में शामिल किया गया। हम दोनों ने खिलाड़ी और कोच के रूप में एक लंबा सफर तय किया है और उसका कारण है हमारे सेम इंटरेस्ट। मेरे लिए वेटलिफ्टिंग एक जुनून है और मीरा के लिए जीतने की लगन। मैं मीरा से तब मिला था जब वो बहुत छोटी बच्ची थी। मैंने मीरा में काफ़ी पोटेंशियल देखा और बेशक उसे एक चैम्पियन बनने में समय लगा, लेकिन सफलता को हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हम दोनों ने असफलताओं को भी साथ फेस किया है और बड़ी मजबूती से वापसी की है। आज हम एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। मीरा ने काफ़ी मेहनत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीरा मेडल लेके वापस आएगी और मीरा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देके मैं इंडिया के लिए एक मेडल जीतूंगी। और मैं बता नहीं सकती कि मेरा फैमिली और मेरा कोचेस और मेरा जो वेट लिफ्टिंग में मेरा फ्रेंड्स है और सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने कितना सपोर्ट दिया है मुझे यहाँ तक पहुँचने का। और साई और टॉप्स को मैं धन्यवाद करती हूँ जिनके बिना अब तक का मेरा ट्रेनिंग और मेरा जर्नी जो है वो अधूरी होती। मीरा, आपकी मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की लगन हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। अब समय है आने वाले एशियन गेम्स 2022 में देश के नाम को अपनी प्रतिभा से रोशन करने का और एक बार फिर इतिहास रचने का। तैयार हूँ मैं बढ़ने एक नई उड़ान, करूंगी देश का नाम रोशन, क्योंकि खेल से है मेरी पहचान। है जीत पे सवार, हल्ला बोल,